तो प्रिय दोस्तों, ये दौर सफ़रनामे का है और एक और सफ़रनामा हम शुरू कर रहे हैं शहर देहरादून का, क्योंकि क्या है, ज़िंदगी बिना कागज़ के कहते नहीं चलती है। अब आपको कुछ आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन कागज़ ज़रूर चाहिए आपके पास। आपके पास सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपने कुछ तो किया है कहीं से। और भैया बात भी सही है, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर हर आदमी, हर तीसरा आदमी उठकर आ जाएगा ना कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया जाए और उन्हें भर भर के फीस दी जाए, कुछ सीखे ना सीखे वो तो आपकी टेंशन है। फिर तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, और हमारा जिस बात के लिए आज जाना हो रहा है देहरादून, वो हमें वहाँ से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। साहब जैसे कैसे पहुंच तो गए, अब इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करना मतलब महाभारत करने जैसा होता है। फिलहाल कॉलेज में पहुंच गए और उन्होंने हमें बहुत अच्छी सुविधा दी है लिफ्ट इस्तेमाल करने की, हम अभी वही कर रहे हैं। और यहाँ आने के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि 5 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ता है। हालांकि हमें आदत है, लेकिन हमने आज लिफ्ट का इस्तेमाल कर लिया बहुत दिनों बाद। और हमारे ग्राउंड में तो हमें ऐसा दिखेगा मानो किसी ने चावल के दाने फेंक दिए हो। माने देखिए आप कैसे बिखर बिखर के जनसंख्या कहाँ पहुँच गई है हमारी। यहाँ पर भी है, वैसे भी जनसंख्या बहुत है। और सर ये हमारा रीडिंग रूम है, हमने यहाँ पर 3 साल काफ़ी मशक्कत की है, हमने यहाँ 3 साल में काफ़ी समय बिताया। उसके बाद हमें जो कार्य करना था, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना था, और उस फॉर्म में हमें ज़रूरत पड़नी थी किसकी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। और उसके साथ साथ हम यहाँ टशन भी मार रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट को जब हम अपलोड कर रहे हैं उसके सामने थोड़ी तीर तो टशनबाजी बनती है, क्योंकि हम इतनी दूर से गए थे तो हमने कोई भी मौका नहीं छोड़ा खुद को कैप्चर करने का। और भैया सिनेमा तो है ही, इसलिए वीडियो बनाते हो आप, इसीलिए बनाते हो। ये एक संपूर्ण दृश्य हमारी यूनिवर्सिटी का, जहां हमने अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 3 साल बिताए और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो बस अभी हमारी थोड़ी सी लेट हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा यहीं पे घुमा जाए। और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ बस स्टैंड को मेंटेन करने की कोशिश की है, जिससे कि हरियाली भी हमें देखने को मिल रही है, एंड यू कैन ऑल्सो सी ऑन योर स्क्रीन। तो अब हम वापस वहीं पर जाएंगे जहाँ से सुबह निकले थे, पौंटा साहब से, और वहाँ का सफ़र रहेगा कम से कम लगभग 1.5 घंटे का है। तो आपका और मेरा आज का सफ़र था यहीं तक। हमने आज सारा काम निपटा दिया जो हमारा कॉलेज में था, और वापस पहुंचते पहुंचते हमें हो गई रात। इसलिए ऐसी है बात कि मेरा और आपका साथ आज के लिए यहीं तक। एक और वीडियो में फिर मिलने की उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल रखिए। जय हिंद।